लेकिन हम सत्य कर्मचारी हैं, सर्व कर्मचारी संघ से संबंध रखते हैं, कानून अपने हाथ में नहीं लेते। एक बार फिर अपील है कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट महोदय सामने आए। एक बार ड्यूटी मजिस्ट्रेट महोदय नहीं है तो जो यहाँ के उच्च अधिकारी जिसके आदेश से ये गेट बंद हुआ है, एक बार आके बात करें हमारे, एक बार आके बात करें, नहीं तो हम 5 मिनट का समय और दे रहे। पहले हमने अनाउंस किया था वहां पे ये गेट खोलने पे, नहीं तो हमने मजबूर होना पड़ेगा। मजिस्ट्रेट जो है इनसे आकर बातचीत करें एक बार 5 मिनट का, फिर से अल्टीमेट दिया गया है। जी हाँ, 5 मिनट का जो है अल्टीमेट दिया गया है कि क्या कुछ जो है आप देख सकते हैं कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट जो भी है वो आकर बातचीत करें इस तरह का अल्टीमेट देते हुए नजर आ रहे हैं। अब जो है बातचीत के लिए वो आगे आएंगे। जी हाँ, बातचीत के लिए एक बार आगे आएंगे और सुरक्षा की दृष्टि से कहें या किस वजह से जो है एक बार जो है गेट बंद कर दिया गया था। जी हाँ, कि यहाँ पर जो है ड्यूटी मजिस्ट्रेट एक बार जो है बातचीत करने के लिए आए हुए। ऐसे है, सर्व कर्मचारी संघ बिल्कुल डेकोरम में आया है। पहले वहाँ खड़ा हुआ आपके गेट के पीछे 10 मिनट आप वहाँ खड़े रहे हैं। हमने आश्वासन हम चाहते हैं भैया तो हमारी बातचीत कराई। ये तो है नहीं कि मुख्यमंत्री चंडीगढ़ में बैठे, हम चंडीगढ़ जाओ वहाँ पुलिस के माध्यम से रास्ता रोक लिया जाता है, यहाँ आके अपनी बात सुनाने आए यहाँ रास्ता रोक लिया जाता है। हम कोई सड़कों पर बैठने वाले व्यक्ति नहीं है, हमारी जिम्मेवारियाँ हैं जनता के प्रति, हम भी जवाबदेह हैं। ये नहीं कि आपकी जवाबदेही बनती है, हमारी भी जवाबदेही बनती है, लेकिन हमारी बात सुनने का कोई अवसर तो मिले, कोई प्लेटफार्म तो हो, हमारी कोई बात सुनने वाला हो। आखिरकार कितने लंबा समय चलवाएगी सरकारी आंदोलन? हम आज उपायुक्त महोदय के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने ये समय, एक दूसरी बात है, ये तो इनकी 2 दिन की हड़ताल थी, किस बारे में बात? 2 दिन की आंगनबाड़ी के बारे में बात करनी है सर, हम करेंगे बात। एक मिनट रुक जाओ, आंगनबाड़ी के लिए आए हो इसके लिए? आज इसके लिए कोई एजेंडा नहीं हमारा। अच्छा, आपको ज्ञापन देने का कोई वो नहीं हमारा इसके तरफ से, क्योंकि हमारी केंद्र स्तर की हड़ताल है, राष्ट्रीय लेवल की हड़ताल है, ठीक है, आपका कोई पार्ट नहीं है। हमने हड़ताल कर ली शांतिपूर्वक, कल भी हम रहे, कल आपके प्रदर्शन करने भी नहीं आए हम यहाँ। हमने रास्ते में सब प्रदर्शन करके अपने आप रास्ते में छोड़ दिया, कोई किसी प्रकार की कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, ठीक है। आज भी यहाँ किसी प्रकार की कन्फ्रंटेशन नहीं चाहते, दूर खड़े, आज भी गेट के नजदीक नहीं लगे, नहीं बिल्कुल ठीक है, इसमें मतलब कोई वो नहीं, हम दूर खड़े होकर बात करना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, और हम ये चाहते हैं कि उपायुक्त महोदय, क्योंकि करनाल में विधानसभा क्षेत्र है मुख्यमंत्री जी का, और आंगनबाड़ी वर्कर का 112 दिन से चल रहा है हड़ताल का कार्यक्रम, और मुख्यमंत्री महोदय ने आश्वासन दिया था बातचीत के माध्यम से कि बजट सेशन विधानसभा के बाद मैं फौरी तौर पर बातचीत करूंगा और ये मामला निपटा दूंगा। बातचीत लगभग तय हो चुकी है, कुछ विक्टिमाइजेशन को लेकर बीच में मामला फंसा हुआ है, उन्होंने कहा था ये मामला निपटा लेंगे। अब मुख्यमंत्री महोदय ये तो है नहीं कि करनाल में वो रहते नहीं, चंडीगढ़ में हमें जाने नहीं देते, यहाँ करनाल प्रशासन के माध्यम से बातचीत करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ गेट बंद कहीं कर देते। डीसी साहब कभी मिले नहीं इस मामले में, तो एक बार हमारी बात डीसी साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री तक पहुँचवाइए कि वो किस दिन हमारे से बातचीत करना चाहते हैं आंगनबाड़ी वर्कर। पांच आदमी आ जाओ, मिल लो, कोई दिक्कत नहीं। एक ये गेट जो बंद करने वाला सिलसिला, आप कोई कर्मचारी हैं, आप हमारे अधिकारी हैं, किस तरह सुनावांगे? हमेशा ये गेट बंद हो जाए, एक भी दिन कति ऑफ दी रोन दी रिकॉर्ड है। सर्व कर्मचारी संघ ने सीटू ने आंगनबाड़ी ने कोई भी गलत काम कराओ, कोई भी कुछ कराओ तो आप बता सको, फिर हम गेट कौन खुलवावा न्यू बताओ। इसमें क्वेश्चन तो दिया जी, आप परिवार के तो सदस्य हैं, या भी एक ये मैसेज है ना, जब आपने यहाँ अनाउंस कराया, ये मैसेज भिजवा दिया था, अगर पार्क में आना चाहो हम गेट खोल देंगे। अब खुद ही, एक मिनट रुको, मेरी सुन लो एक बार, जब खुद ही जगह डिसाइड करोगे वो तो पॉसिबल नहीं, प्रशासन तो बात कर लेंगे पहले। नहीं, हमने वो खुद नंबर दो बात, रुक जाओ ना एक मिनट, वो वहाँ पे आपने जगह मांगी भाई अनाउंस कराया होगा, हम तो वहाँ बैठेंगे, वहाँ तो हमारा सारा काम डिस्टर्ब हो जाए, दोनों का नहीं था, वो जो अंदर तक निकलने का रास्ता वो ब्लॉक हो जाए। एक मिनट जी, अगर आपका रास्ता ब्लॉक होगा तो वहाँ से उठ के आ जाएंगे दोनों, ये कंडीशनल नहीं होता। आपकी कंडीशनल नहीं बात कर रहे,
जो जुडिशियल था उसका रास्ता अलग हो चुका है, वहाँ से जुडिशियल का दिया। एक मिनट अंदर से जो गाड़ियाँ आएंगी, ये जो आपका पहला गेट इधर लगा हुआ है ये बिल्कुल खाली रहेगा, यहाँ से गाड़ी आ सकती है। इधर की जो गाड़ी है वो गेट खाली रहेगा, बिल्कुल आ सकती है। बीच में केवल छाया के लिए हम कह रहे हैं, अदरवाइज हमारा मानी है कि छाया में लोग आराम से बैठ जाएंगे। मतलब ये तो है आखिरकार इंसान है, ये भी जानवर तो है ना, घूम चले तपेंगे, वहाँ छाया है बीच में, हम कोई यूं नहीं वहाँ टेंट लगाएंगे, कोई वो लगाएंगे, स्टेज लगाएंगे, कुछ नहीं है, सड़क पर बैठेंगे और अंदर ही स्टेज है, कोई आपकी एक ट्रैफिक भी आपकी डिस्टर्ब हो जाएगा। डेप्यूटेशन बात कर ले, कोई डेप्यूटेशन हमने बात कर ले, काम कर रहे हैं फिर हटो पीछे। हेलो, अब गेट बंद ही तो करना आपने, कम करें फिर। अगर आप पर ये कोई तरीका थोड़ी है, सुन रहे अच्छी बात है, ये बोलो, ये बोलो, ये कर्मचारी तो है, सच्चाई सच्चाई बात कर दो, ये सारे कर्मचारी तो है, अभी भी तो ये गेट। हेलो, हम यहाँ बैठे रहेंगे। नहीं सुनो प्रधान जी, सुनो एक मिनट, सुनो पार्क तक तो ठीक है, सुनो सर मेरी तरफ तक, सर मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो, मैं खड़े होने की पोजीशन है, अगर प्रशासन भी खड़े होना चाहता हमारे साथ, धूप माप पर खड़े होकर तैयार है, नहीं नहीं सुनो, आप छाया में खड़े थे, आप मैं तो बात करो ना, गेट बंद, मेरा हमारा आंदोलन है, मैं तो बात करो, आप जब ये गेट बंद है, हम ये गेट, सुनो मेरी बात सुनो, सुनो जी सुनो, मैं ये गेट बंद था, गेट बंद था ना, हम इसके आगे बैठ गए, डीसी ने बुलाया, कार्रवाई करेंगे थारे ऊपर, क्यों करोगे भाई, जीप तंबंदी कर रहे, कुंडा अंदर तक लग रहा था, अब भी कुंडा अंदर तक लग रहा, और हम बार बैठ जाएंगे, फिर हमारे पे कानूनी कार्रवाई करोगे, क्यों करोगे, क्यों खोल रखा, बंद कर रखा है, खोल लो इसे, माराई गेट और माराई बंद कर, ये क्या तरीका फिर आपका, अब तक जब खड़े हैं ना, कोई गलत बात नहीं, ये जो गेट बंद कर रखा है, अभी जानकारी लेना चाहूंगा आपसे, लिखित में दिखाओ हमारे को, कम से कम किसी का आदेश होगा, ये गेट बंद करो आप, किसी का आदेश होगा, इतनी ये हाँ ये कर्मचारी आए हैं, इन्होंने सुनो, एक मेरी सुनो, डीएसपी साहब, यहाँ जुडिशियल कॉम्प्लेक्स, डीएसपी सुनो, एसपी साहब भी, आज ही कोनी बनी है, आज ही कोनी बनी, देश की आजादी के बाद ये बिल्डिंग बनी हुई है, देश की आजादी के बाद ये बिल्डिंग बनी हुई है, जब से डीसी साहब यहाँ करनाल में आया ना, तब से गेट बंद होना शुरू हुआ है, उससे पहले भी ऐसे चैलेंज करके कर रहे हैं आपको, इसके बारे में सच्चाई है ये, कृष्ण जी हम पार्क में तंगा दे रहे हैं, आप आ जाओ पार्क में, धूप है जी, पार्क में बैठ जाओ, धूप है जी, धूप, आप साइड बनवाओ फिर हम बैठने के लिए तैयार है, साइड बनवाओ पार्क में, डीएसपी साहब सुनो सुनो, एक इंसानियत के नाते सोचो, पार्क में अगर छांव का इंतजाम हो, ये सारे आदमी एक मिनट रुक जाओ ना, कोर्ट भी लग रही है, प्रशासन का काम भी है, माइक लेकर अंदर जाओगे, किसी को ये भी नहीं कह सकते हम तो भाई मंदा कर ले इसने, तेज आवाज में बोल रहे हैं, सबका काम डिस्टर्ब हो रहा है, नंबर दो बात मार तो बात कर लिया रो पहले, आप तो डिसाइड करो, ये तो गलत है ना, डेलीगेशन आ जाओ, पांच आदमी मिलवा देंगे, करने वाली बात है, कुछ हमारे लिए क्या बात है, ऐसी धूप में वहाँ बैठेंगे, ऐसे आपके किवाड़ बंद है ना, आना जाना तो किसी ने नहीं, फिर हम यही बैठ सके, क्या दिक्कत एक मिनट भाई साथियों, फिर ये कानूनी कार्रवाई करेंगे, यही बैठेंगे, आप डीसी साहब से हमारी बात कराते हो, पांच आदमी हम डेप्यूटेशन के रूप में बात कर लेते हैं, वहाँ जाएंगे, वो गेट खुलवाएंगे कि बंद करवाएंगे, वो उनका मैटर है, ठीक है ठीक है, वो बातचीत अगर हमारी मुख्यमंत्री से कोई बातचीत यही बैठेंगे, वहाँ क्यों बैठेंगे, यही बैठेंगे, पांच आदमी ले ठीक है भाई, बैठाए तू यही,
तो देख सकते हैं अब जो है इनके 5 मेंबर्स जो है अंदर बातचीत करने जाएंगे, क्योंकि फिलहाल जो है बताया जा रहा है बहुत धूप है, अगर इन्हें अंदर छाए में जगह मिल जाती है बैठने की तो फिर भी ये लोग कहना है कि यहाँ पर जो ये बैठेंगे फिर भी तो रास्ता जो है जाम होगा या रास्ता तो बंद होगा। तो आप देख सकते हैं अभी फिलहाल गेट बंद है, 5 जो है अंदर मेंबर्स जाएंगे बातचीत करेंगे, उसके बाद क्या कुछ निकलता है वो भी आपको दिखाएंगे। सभी से अपील, इस वीडियो को शेयर जरूर करें। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हरियाणा के करनाल से, लघु सचिवालय के सामने आप देख सकते हैं बैठे हुए नजर आ रहे होंगे। जी हाँ, महिलाएं अभी फिलहाल यहीं पर बैठी हुई हैं। तो इस खबर को आप शेयर करें। मैं आरती राणा से होगी अमन ग्रोवर के साथ करनाल से, आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।